हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं फिर एक बार लेकर आई हूँ आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जीके, जो कि हिंदी में है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये यूपीपीएससी और एमपीपीएससी का जो प्री होगा उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वैकेंसी आएगी नेक्स्ट ईयर की, तो उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दें। आप लोगों ने जो भी अभी तक थ्योरेटिकल पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, उसको आप वन लाइनर जीके की मदद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ ये नहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, आपने कितना जो भी पढ़ा है आपको कितना लर्न है। तो क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्री एग्ज़ाम के लिए। तो इसी के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। प्लस इसके साथ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 4 जो कि मेंस की सीरीज़ है यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाती जा रही हूँ। कुछ टाइम ज़रूर लग रहा है, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं पीडीएफ अपलोड करती जा रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे और सक्सेस मंच पेज पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सक्सेस मंच पेज पे जाके लाइक करके हमारे पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा विविध, मतलब कि मिसलेनियस होगा इसमें कला, संस्कृति, खेलकूद, जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ये मैंने कुछ के नाम दिए हैं, इससे लेके हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसका जो वेटेज होता है वो हर एक एग्ज़ाम में करीब करीब 10% का होता ही होता है। तो इसलिए ये पोर्शन हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ये पोर्शन एक्स्ट्रा अलग से लेके हम लोग चलेंगे, जो कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से हटके है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इन सब से हटके ये सब्जेक्ट विविध का। चलिए हम करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खजुराहो में। खजुराहो में कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत ही फेमस मंदिर है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में कई बार आ चुका है और आने की संभावना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था? तो 1957 में ऑल इंडिया का रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था। गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में किस स्थान पर नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तंजावुर में। तंजावुर कहाँ स्थित है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलकालीन किस शासक के शासनकाल में चित्रकला अपने स्वर्ण काल में प्रवेश कर गई थी? बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहांगीर के समय में। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसने ख्याल को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया था? ख्याल एक गायकी का नाम है, तो इसको शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया था सदानंद नियामत खान ने। हिंदुस्तानी संगीत की प्रसिद्ध विधा गजल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का जनक किसे माना जाता है? तो गजल मिर्जा गालिब को इसका जनक माना जाता है। ग से गजल, ग से गालिब, नाम आप याद रख सकते हैं और बहुत फेमस है गालिब। और गालिब के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि थे। इन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखा था, तो ये इनके बारे में एक क्वेश्चन पहले भी यूपीपीएससी में आ चुका है कि किसने मतलब कि चार ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था किसने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखा था इनमें से, तो यह था मिर्जा गालिब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले मांडू भांगी किस राज्य का आधुनिक नृत्य है? तो मांडू भागी नृत्य है आसाम का। नृत्य वाले क्वेश्चन, जनजातियों वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के लिए। ये विविध में ये एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, एक एक क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको प्री में सिलेक्शन दिलवा सकता है और एक ही क्वेश्चन आपको प्री में के सिलेक्शन से बाहर भी करवा सकता है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर घराना का शास्त्रीय नृत्य की स्थापना मास्टर गिरधर ने की थी। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राजदरबार तथा शिकार के दृश्यों के चित्रण से आरंभ हुए किशनगढ़ शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? शुरू में जब किशनगढ़ शैली का चित्रण आरंभ हुआ था तब राजदरबार और शिकार के दृश्य होते थे उनमें,
लेकिन अब आज के समय में आधुनिक युग में राधा कृष्ण एवं उत्सव का चित्र यहाँ मनाया जाता है कृष्णगढ़ शैली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्र शैली का जन्म 1760 में किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था गुलेर में, पहाड़ी चित्र शैली का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो नामक स्थान। अब खजुराहो जो कि हमें अभी कंदरिया महादेव का मंदिर के बारे में पढ़ चुके हैं, वही दोबारा क्वेश्चन है, स्थान पर कंदरिया महादेव का मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये शैली है नागर शैली में निर्मित। ये भी MPPSC में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर के निकट शाहदरा में जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। और नूरजहां जहांगीर की कौन थी ये मुझे कमेंट में आप मुझे बताइएगा। संगीत नाटक एकेडमी द्वारा सीर्थ संस्था राष्ट्रीय नाट्य स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय नाट्य स्कूल जो कि दिल्ली में स्थित है 1959 में की गई थी। आप लोगों ने देखा भी होगा ये दिल्ली में कनॉट प्लेस में स्थित है राष्ट्रीय नाट्य स्कूल। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दीपावली पर्व के आसपास के मेले का आयोजन किया जाता है, उस मेले का नाम क्या है? उसे कहते हैं उर्स का मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बता दूं, इसने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत भारत में की थी और जिसका जो मुख्य स्थान था वो अजमेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म एवं मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी UPPSC में पहले पूछा जा चुका है, तो ये है मिलादे शरीफ के रूप में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन कल्चर से, एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री से विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अनुलोम विवाह से। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं कि एक ऊंची जाति की स्त्री का एक नीचे जाति के पुरुष से अगर विवाह होता है तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है प्रतिलोम विवाह से। तो यहाँ दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। गुजराती भाषा की प्रथम साहित्य कृति भारत बहु होली रस किसके द्वारा लिखी गई है? गुजराती भाषा की पहली साहित्यिक कृति थी, तो ये लिखी गई है शालीभद्र द्वारा। प्राचीन काल में जब बालक विद्या अध्ययन पूर्ण करके गुरुकुल से अपने घर लौटता था तब कौन से संस्कार संपन्न किया जाता था? तो ये संस्कार संपन्न किया जाता था समाप्य वर्तन संस्कार, समाप्त होने वाला, जैसे कि हमने विद्या अध्ययन कर ली उसके बाद का संस्कार। संस्कार टोटल गिनती में 16 होते हैं, तो आप मुझे बताइए सबसे पहला संस्कार कौन सा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि में हवन सामग्री एवं घी की आहुति देकर अग्नि इंद्र शोम पृथ्वी प्रजापति आदि की स्तुति कर कौन सा यज्ञ संपन्न किया जाता है? तो ये किया जाता है देव यज्ञ। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और पिता यज्ञ, इस टाइप से काफ़ी यज्ञ होते हैं। ये प्राचीन जो हमारा एंशियंट इंडिया था उसमें ये चीज़ें हैं, हम लोग जब एंशियंट इंडिया हिस्ट्री कर रहे हैं उसमें ये सब भी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? अब ये हमारा खेलकूद से रिलेशन क्वेश्चन आ गया, तो आप इसमें बताइए फिडे संस्था किस से संबंधित है? ये संबंधित है शतरंज के खेल से। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के नागरिक हैं? तो विजय सिंह नाम से तो इंडिया के नागरिक लग रहे हैं लेकिन ये है फिजी के नागरिक। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है, तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। हॉकी में गोल होता है तो उसी से इन्होंने आत्मकथा अपनी लिखी है गोल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 29 अगस्त को। KD सिंह बाबू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। कैडी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कैडी शब्द होता है गोल्फ में यूज। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों के प्रसिद्ध आचरण नियम डॉक्टरों के लिए बनाए गए हैं, ये किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं हिप्पोक्रेटस ने। तो इन्हें चिकित्सा जगत का पिता भी कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का पिता भी कहा जाता है।
सामान्यतः गाए जाने वाले राष्ट्रीय गान की लघु संस्करण का समय कितना है? लघु संस्करण का समय है 20 सेकंड। आप मुझे बताइए कि जब अगर फुल राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो उसका टाइम कितना है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत के एम्बलम में देवनागरी लिपि में लिखे सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार आ चुका है, मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं होता? तो ये लागू नहीं होता है जम्मू कश्मीर में। और ये कब शुरू हुआ था? ये जब लागू हुआ था पूरी इंडिया में, ये हुआ था 2005 में, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, RTI एक्ट 2005। और ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, पूरे भारत में ये लागू होता है। तो आज के ये सुपर 30 यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप एक ही क्वेश्चन इसमें से लर्न कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर की कीमत तो आप ही जानते होंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।